तरंगों से हो रहा है मेल, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं इस हफ्ते कौन सी राशि होगी मालामाल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली इंडिया से आज पुणे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आपका अपना साप्ताहिक राशिफल लेकर। उसे प्रारंभ करने से पहले आज मैं आप सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा कि आप सभी लोगों की बदौलत, आप सभी लोगों के प्यार आशीर्वाद शुभकामनाओं की बदौलत हमारा यह चैनल 10 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल बनकर 1 मिलियन ग्रुप में शामिल हो गया है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्रेम स्नेह शुभकामनाओं आशीर्वाद बदौलत ही संभव हुआ है। उस सब के लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं, मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर अवश्य करें। आज मैं आपका जो साप्ताहिक राशिफल बताने जा रहा हूँ, उस राशिफल को बताने से पहले मैं उस राशिफल को देखने का तरीका आप लोगों को अवश्य बताना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे लोग जब मुझे फोन करते हैं तो उनको पता ही नहीं होता उन्हें राशिफल कैसे देखना है। जिन व्यक्तियों के पास अपनी जन्म कुंडली मौजूद है उन व्यक्तियों को अपनी राशि के हिसाब से, जो उनकी चंद्र राशि है उस राशि के हिसाब से ही अपना दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल या वार्षिक राशिफल को देखना चाहिए। जिन व्यक्तियों को अपनी जन्म तिथि या जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है उन व्यक्तियों को अपने नाम के प्रथम अक्षर के साथ, यानी जो आपके समक्ष जो चार्ट प्रस्तुत किया जा रहा है उस चार्ट में से आपके नाम का जो अक्षर है, पहला अक्षर है, उस अक्षर के अनुसार जो आपकी राशि बनती है उस राशि के हिसाब से ही अपनी साप्ताहिक, डेली या मासिक राशिफल देखना चाहिए। ऐसा करने से ही आपका जो राशिफल है, हम लोग जो आपका राशिफल बताते हैं, वे आपके लिए उपयोगी साबित होगा। प्रिय भक्तगण, आप में से बहुत सारे लोग हमसे शिकायत करते हैं कि हमें ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी वजह से हमें थाना कोर्ट कचहरी के बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हमने तो कभी किसी का ऐसा कोई बुरा भी नहीं किया है, ऐसे बहुत सारे सवाल हमसे निरंतर लोग करते हैं क्योंकि वो अपनी पीड़ा से, अपने कष्टों से दुखी हैं और जानना चाहते हैं उसके पीछे कारण क्या है। तो प्रिय भक्तगणों, यहाँ मैं आपका छोटा सा ज्ञान वर्धन करना चाहूंगा। पुलिस जो होती है, हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारा जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है, वह मंगल से कनेक्टेड डिपार्टमेंट है, मंगल ग्रह से संबंधित विभाग है। मंगल ग्रह केवल जब ही आपको कष्ट पहुंचाते हैं, चाहे वो पुलिस के रूप में पहुंचाए या मिलिट्री के रूप में पहुंचाए, केवल और केवल जब ही कष्ट पहुंचाते हैं जब आपने पूर्व जन्म में उस ग्रह से संबंधित कोई गलत कार्य किया होगा और तत्पश्चात उस जन्म में आपको उसके जो अशुभ फल, आपके बुरे कर्मों के बुरे फल नहीं प्राप्त हुए होंगे, तो वो उन कर्मों का लेखा जोखा आपको इस जन्म में भुगतना पड़ा। और जब आपको उन कर्मों का फल इस जन्म में मिलेगा तो खराब मंगल वाले व्यक्ति निश्चित रूप से बार बार पुलिस के द्वारा परेशान होते हैं। तो उसमें पुलिस का कोई दोष नहीं है, किसी भी पुलिस अधिकारी का दोष नहीं है, ये दोष आपके कर्मों का है, पिछले जन्मों के कर्मों का है या कई बार इसी जन्मों के कर्मों का है। आपने जवानी में कुछ गलत काम किए मंगल ग्रह को परेशान करने के लिए, उससे संबंधित आपके पाप का जो घड़ा है भरता चला गया, पता चला आपको लास्ट में जब आप घड़ा भर जाता है तो मंगल देवता प्रकट होते हैं पुलिस के रूप में, मिलिट्री वालों के रूप में, और आपको निश्चित रूप से कष्ट प्रदान करते हैं। तो ये आपके कर्म है, इसका दोष पुलिस वालों को क्यों? पुलिस वाले जो व्यक्ति है वो हमारी सुरक्षा के लिए है, मिलिट्री वाले व्यक्ति हमारी सुरक्षा करते हैं। हम रात को लंबी चादर तान के सोते हैं और वो हमारे घरों का, हमारी सीमाओं का, हमारे राष्ट्र का, हमारी गलियों का, हमारे नगरों का रात भर जाग जाग के
पहरा देते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। अत्यधिक तनाव में एक एक दिन में 16-16 घंटे कार्य करके इस देश की, इस राष्ट्र की सेवा करते हैं, वो कैसे किसी का बुरा कर सकते हैं। आप जो शिकार हैं वो अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं, मंगल ग्रह से संबंधित कर्मों का भुगतान कर रहे हैं आप, उसके फलस्वरूप ही मंगल ग्रह से संबंधित गलत कर्म किए होंगे, तभी मंगल देवता पुलिस के रूप में या मिलिट्री के रूप में आपको दंडित करने आते हैं, आपके मान सम्मान को नष्ट कर जाते हैं और आपको दंडित करते हैं। यहां शनिदेव जी न्यायाधीश बनकर, वकील बनकर, अपोजिट पार्टी के वकील बनकर, सरकार के वकील बनकर और जज बनकर आपको आपके कर्मों का दंड दिलाकर कारावास की सजा दिलवाते हैं। तो अपने अच्छे कर्म और अपने बुरे कर्म का फल समझिए। अच्छे कर्म मिलेंगे तो मान सम्मान होगा, यही मंगल देवता अच्छे कर्म करने पर नेता बनकर आपको मान सम्मान देते हैं, आपको सम्मानित करते हैं, राष्ट्रपति का मेडल दिलवाते हैं आपको, और दूसरी तरफ गलत कर्मों के लिए आपको दंडित किया जाता है। तो जो लीला है वो कर्मों की लीला है। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल पाएंगे, बुरे कर्म करेंगे निश्चित रूप से बुरा फल आपको अवश्य मिलेगा। तो आज की इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हुए आइए शुरू करते हैं आपका अपना साप्ताहिक राशिफल। धनु राशि वालों, 16 सितंबर से लेकर 22 सितंबर 2019 तक का जो यह सप्ताह है उसकी ग्रह गोचर की स्थिति को देखते हुए आपको अपने क्रोध पर काबू रखने की हमारे द्वारा सलाह दी जाती है। आप अपने क्रोध पर कंट्रोल करें, कहीं ऐसा ना हो आपका अनावश्यक गुस्सा या आपके द्वारा किया गया वाद विवाद आपके लिए परेशानी खड़ी कर दे। वैसे भी इस समय आपकी जो स्थिति है वहां पर आत्मविश्वास की कमी स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। इस स्थिति को आप अवश्य कंट्रोल करें वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैं यहाँ धनु राशि वालों से एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आप अपने आत्मबल में कमी को दूर करने के लिए, यानी अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपनी आयु में वृद्धि के लिए, अपने मान सम्मान में वृद्धि के लिए और अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए अपने या तो राशि रतन की एक अंगूठी को मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करवाकर अवश्य ही अपने हाथ में जीवन भर धारण करते रहें। और जिन व्यक्तियों को अपने आप इन रत्नों को खरीदकर उनकी अंगूठियां बनवानी है तो हम यहाँ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हर रत्न के 3-3, 4-4, 5-5 लिंक दे रहे हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से उन लिंकों पर जाकर उनके रत्न खरीद सकते हैं, घर बैठे सर्टिफाइड रत्न मंगवा सकते हैं। यहाँ कुटुंब के साथ आपकी स्थिति को देखते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कुटुंब जनों के साथ, परिवार जनों के साथ आप वाद विवाद ना करें, अन्यथा आपको परेशानी महसूस होगी। ऐसे ही अपने भाई बहनों के साथ मधुर व्यवहार करें, अन्यथा उन्हें आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, अनावश्यक वाद विवाद आपको परेशान कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्थिति है कि आपकी जो स्थिति दिखाई दे रही है मकान से संबंधित या वाहन से संबंधित, अगर आप कुछ कार्य करना चाहते हैं तो आप शुरुआत कर सकते हैं, उस शुरुआत करने में कहीं अड़चन नहीं आएगी। अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी, चाहे वो आपके बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगता हो या उनके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते हो इस वजह से परेशान है, या नौकरी ना मिलने से परेशान है, या नौकरी प्रमोशन और बॉस की वजह से परेशान है, या व्यापार की वजह से परेशान है, या धन की कमी की वजह से परेशान है, या फिर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या अगर शादी हो गई है तो शादी में ग्रह कलेश की वजह से परेशान है, या संतान ना होने की वजह से परेशान है, या व्यापार में हो रहे घाटे की वजह से परेशान है, या फिर आपके पास अपना मकान नहीं है या अपना व्यापार स्थल नहीं है उसकी वजह से परेशान है, या फिर आप अपनी या अपने परिवार के किसी सदस्य की बीमारी की वजह से परेशान है, तो आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करके हमारे लिए, यानी गुरु रजनीश ऋषि के लिए, गुरु मां रुक्मणी जी के लिए या स्वामी राज ऋषि जी के लिए वीडियो कॉल बुक करा के उनसे
अपनी परेशानियों के उपाय जान सकते हैं, जिन्हें करने से निश्चित रूप से आपके जीवन में धीमे धीमे करके अभूतपूर्व परिवर्तन अवश्य आएगा। जो व्यक्ति सनातन हिंदू धर्म में, परमपिता परमात्मा में और नवग्रह देवताओं में असीम आस्था रखते हुए इन उपायों को सच्चे मन से करते हैं और करने के उपरांत फल देने के लिए परमपिता परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं, उन व्यक्तियों को निसंदेह इन उपायों को करने से अवश्य फल की प्राप्ति होती है। जो स्टूडेंट हैं, उनको पढ़ाई लिखाई पर ही फोकस करना चाहिए। आगे चलकर आपके द्वारा की गई पढ़ाई लिखाई आपको उचित नौकरी दिलवाने में सहायक सिद्ध होगी। सरकारी नौकरी भी आपको प्राप्त हो सकती है अगर आप प्रयास करें तो, ऐसा संभावना दिखाई पड़ रही है। किंतु ध्यान रखें, ये जो पढ़ाई लिखाई है वो जीवन भर काम आती है। पूरी निष्ठा के साथ पूरा मन लगाकर करने का प्रयास करें। अगर आपको पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेशन यानी मन लगाने में परेशानी आती है या आपके मेहनत करने के बावजूद भी कम नंबर आते हैं तो आप बिना किसी झिझक के हमसे संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे नंबरों के द्वारा। हम गारंटी से आपकी मदद करने में सक्षम हैं और अवश्य करेंगे सभी स्टूडेंट्स की। यहाँ जो प्रेमी युगल बंधु है उनके साथ मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सा गुस्से पर नियंत्रण रखें, वो आपके लिए बेहतर होगा। अपने संबंधों को मजबूती प्रदान करें, आपके प्रेम संबंधों में प्रदान की गई मजबूती हमेशा आपके कार्य आएगी। जीवन साथी के साथ वाद विवाद क्रोध आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। सावधान रहिए, जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का तनाव ना लाएं, उनके साथ कोई वाद विवाद ना करें, संबंधों में तनाव ना लाएं जीवन साथी के साथ, क्योंकि ये एक दिन दो दिन या चार दिन का मसला नहीं है, जीवन भर का साथ है। इसीलिए उसे जीवन साथी कहा गया है, यानी अपनी आखिरी सांस तक आपने एक दूसरे का साथ देना है, इसीलिए आपको जीवन साथी कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा, अगर आपको जीवन साथी के साथ कोई अड़चन आ रही है तो आप उनसे संबंधित एक रतन की अंगूठी उनको कंट्रोल करने के लिए अगर आप अपने हाथ में पहनेंगे तो आपके संबंधों में मधुरता अपने आप ही आ जाएगी, बशर्ते ये रतन की जो अंगूठी है मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत की हुई हो। अगर आपको ऐसी अंगूठी नहीं मिल पा रही तो आप हमारे नंबरों पर हमसे संपर्क कर यह अंगूठी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो सप्ताह शुभ है आपके लिए, आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, सरकार से शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। कर्म स्थल पर यानी चाहे आप नौकरी पेशा हो चाहे व्यापारी हो, आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, लेकिन कटुता भी आ सकती है। अपने क्रोध के कारण उन संबंधों में कटुता लाने का प्रयास न करें, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ेगी। यहाँ पर बात करते हैं आमदनी की, तो आमदनी की दृष्टि से देखा जाए तो यह समय आपके कर्मों को आमदनी में बदलने का समय है। तो आप जितना कर्म करेंगे तो वो निश्चित रूप से आपकी आमदनी में वृद्धि प्रदान करेगा। खर्चों पर लगाम लगा के रखें, अन्यथा व्यर्थ के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। तो ओवरऑल जब हम आपकी कुंडली देखते हैं इस सप्ताह के लिए, आपके ग्रह गोचर की स्थिति देखते हैं, तो यहाँ पर बस एक ही विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि अपनी क्रोध पर नियंत्रण रखें, संयम रखें, धैर्य रखें। और इसीलिए हमने आपको सलाह दी थी कि आप सर्व मनोकामना सिद्धि माला धारण करें। हो सकता है आपको ये माला थोड़ी महंगी लगे, आपके बजट में ना आए, तो वैसे भी शायद ये अमीर लोगों के लिए ज्यादा फलदायी है कि जो लोग अमीर हैं उस माला को पहनकर ज्यादा लाभ उठा सकते। प्रिय भक्तगणों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको अपने ग्रह की दशा को सुधारने के लिए रतन की अंगूठी पहननी पड़ेगी, लेकिन यह रतन की जो अंगूठी या अंगूठियां हैं वह प्रॉपर तरीके से मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत होनी चाहिए, तभी वह अंगूठियां आपको फायदा देने में समर्थ होती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने अभी आपको बोला कि ये अंगूठियां पहनी, आप दौड़कर सुनार की दुकान पर जाते हैं, वहां से अंगूठी बनवा कर पहन लेते, फिर कहते हैं थोड़े दिन बाद गुरु जी मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। अरे भाई, जब तक ये मंत्र सिद्ध नहीं होंगी, प्राण प्रतिष्ठित नहीं होंगी, जागृत नहीं होंगी, और इन अंगूठियों को मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करने वाले जो विद्वान हैं, आप समझ लीजिए उनकी जो गणना है, जो उनकी गिनती है, वो 1000 में से मुश्किल से 5 लोग, जो चाहे वो मंदिर में बैठने वाले हों या कोई आचार्य हो या कोई शास्त्री जी हो, उनकी गणना जिन्होंने इन मंत्रों को सिद्ध कर लिया है, जागृत कर लिया है,
वही व्यक्ति इन अंगूठियों को प्राण प्रतिष्ठा करने में सक्षम होते हैं। तो आप जब भी कोई रत्नों की अंगूठी अपने भाग्य के वर्धन के लिए या अपनी किसी भी प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए बनवाएं, तो आप किसी योग्य और विद्वान व्यक्ति से ही उसे जागृत मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा करवाएं। अगर आपको यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप बिना किसी झिझक के नीचे स्क्रीन पर जो हमारे नंबर आ रहे हैं उन नंबरों पर हमसे संपर्क करके अपने लिए किसी भी प्रकार के रत्न की लेबोरेटरी से सर्टिफाइड कराकर अंगूठी हमारे स्वयं के द्वारा मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत की हुई अंगूठी बिना किसी झिझक के पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हुए अपने घर पर मंगवा सकते हैं डाक द्वारा, या आप स्वयं यहां आकर यानी शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली आकर स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। कहां से हो आप? हिमाचल प्रदेश। आप गुरु जी के पास आए, गुरु रजनीश ऋषि जी के पास और गुरु मारुकमणि जी के पास, आपको कैसा लगा? हमें काफी अच्छा लगा और मैं चावल मिलने से जुड़ा हूँ तो बड़ा अच्छा भी लगा। मेरे सारे काम हो रहे और सबसे बड़ी बात है कि मैं काफी नहीं जो था और अप्रोचे हो गया। आपको गुरु जी ने कितनी रिंग्स पहनाई? रिंग्स दिखाओ। चार सात आठ स्टोन लिए, एक गले का भी है और चार अंगूठी है। इसको पहन के क्या प्रभाव हुआ? बहुत अच्छा भी लग रहा है और सब बढ़िया लग रहा है। और हमें क्या प्रॉब्लम सेंटर में पहुंचे हुए हैं। और लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे गुरुजी गुरुआ के बारे में? मैं जो भी कोई परेशान है अपनी समस्या से तो एक बार गुरुजी से जरूर मिले और मैं आशा करता हूँ कि उनका समाधान जरूर होगा। मैं आपकी जन्म कुंडली की ओवरऑल स्थिति को देखते हुए इस सप्ताह के लिए आपको 2 स्टार देता हूं। आज की इस चर्चा को विराम देते हुए शीघ्र ही मैं आप सभी के समक्ष अगले हफ्ते का राशिफल लेकर पुनः प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।